Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sundar Shaheen. I hope you people are doing well. The topic we are going to discuss today is activity-based costing. आप लोग क्योंकि cost accounting पढ़ रहे हैं या managerial accounting पढ़ रहे हैं तो I hope के you people will be familiar with the basic cost concepts and terms. Such as direct costs, indirect costs, prime cost, conversion costs, and things like that. ठीक है तो आप traditional costing system जो है वो अब तक आप देखते आए हैं पढ़ते आए हैं उसको practice करते आए हैं ठीक है. In today's lecture basically we are gonna differentiate traditional costing system from a rather different concept which is activity based costing. ठीक है जैसे कि इसका नाम ही हमें ये सजेस्ट करता है कि इसमें भी ऑफ कोर्स हमने यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है दैट्स आल्सो अ टूल फॉर दैट लेकिन जो हम कॉस्ट को ड्राइव करेंगे उसको ड्राइव करने का जो हमारा सोर्स है दैट विल बी डिफरेंट ठीक है डिफरेंट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम ठीक है. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है जनाब कि आपके जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं they are like cost drivers. I hope you people are familiar with this. That factors which basically cause the cost. ठीक है जो main drivers हैं cost के जिनकी वजह से cost incur होती है. ठीक है तो उनको हम cost drivers कहते हैं. तो traditionally क्या होता है कि आपकी direct cost जो है that can easily be traceable. ठीक है जी उसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल है आपका डायरेक्ट लेबर है वो इजीली आप यूनिट कॉस्ट के साथ उसको ट्रेस कर सकते हैं. लेकिन जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं या इन अदर वर्ड्स जिन्हें हम ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं उनको एक यूनिट को एलोकेट करना जो है दैट इज अ बिट सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज. ठीक है तो उसके लिए हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या करते हैं कि हम मल्टीपल बेसिस यूज करते हैं. आपने फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेशन का चैप्टर भी आई होप के पढ़ा होगा वो टॉपिक इन पर्टिकुलर तो उसके अंदर आपको बताते हैं कि जनाब आप लेबर आवर्स यूज कर लें लेबर कॉस्ट यूज कर लें मशीन आवर्स यूज कर लें और इसी तरह के कुछ मल्टीपल जो है वो बेसिस बताते हैं कि किस तरीके से आपने कॉस्ट को एलोकेट करना है. तो बेसिकली उसमें आपका फोकस क्या होता है कि आपने एक रिसोर्स लिया रिसोर्स की वैल्यू को एवेल्यूएट किया और उसके बाद उसको उठाकर यूनिट्स के ऊपर असाइन कर दिया. ठीक है दिस इज हाउ यू एलोकेट द कॉस्ट और यू मे से दैट यू ट्रेस द पर यूनिट कॉस्ट. ठीक है लेकिन इन केस ऑफ एक्टिविटी कॉस्टिंग क्या होता है बेसिकली कि आप कॉस्ट के लिए पहले रिसोर्सेज को इवेल्यूएट नो डाउट वैसे ही करते हैं जैसे ट्रेडिशनल में करते हैं लेकिन आप उन रिसोर्सेज की कॉस्ट को जब एलोकेट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जनाब आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है उसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड हुई हैं. ठीक है और जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी बिकॉज इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आवर कॉन्सेप्ट इज दैट कॉस्ट इज इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टन प्रोसेस cost is incurred as a result of certain activities so if there is certain process involved if there are multiple activities involved then there will be cost. theek hai so we assume ke activities aur jo hamare processes hain basically they drive the cost. theek hai wo factors hain to cost drive hoti hai wo factors hain to cost incur hoti hai. theek hai so activity based costing ke andar jab hum cost ko allocate karte hain ya usko ट्रेस करते हैं तो उसको ट्रेस करने के लिए हम सिंपल लेबर आवर्स मशीन आवर्स और इस तरह की बेसिस यूज नहीं करते बल्कि वी जस्ट लुक फॉर द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज द एक्टिविटी ऑफ इंस्पेक्शन एंड द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन और द एक्टिविटी ऑफ परचेजिंग. ओके देर मे बी मल्टीपल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज. ओके लेट्स गो अहेड. सो व्हाट इज बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग that is of course a management costing approach a management accounting approach and why is this approach used this approach is basically used to allocate all direct and indirect cost. okay direct cost ko allocate hum kaise karte hain bilkul waise jaise hum traditional costing system mein karte hain lekin jo hamari indirect costs hain ya jinko hum overhead cost kehte hain jab unko humne cost object ko allocate karna hai तो हमारे ड्राइवर्स बेसिकली डिफरेंट है. ठीक है और कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे कौन से होते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स बेसिकली कोई भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है
उन्हें हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी प्रोडक्ट्स, दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी सर्विसेज, दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी बैचेस. ओके, सो इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग व्हाट हैपेंस दैट वी एलोकेट ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू हेल्प मैनेजमेंट अंडरस्टैंड द क्रिटिकल बिजनेस इंफॉर्मेशन. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ डिसीजन मेकिंग टूल वी कैन से. ठीक है, क्योंकि इससे हम कॉस्ट को मोस्ट अप्रोप्रिएट वे में एलोकेट करते हैं एंड व्हेन दैट इज एलोकेटेड अप्रोप्रिएटली तो ऑफकोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वील बी एबल टू locate the actual reasons of our cost. ठीक है, और अगर हमें cost cut करना है, cost को manage करना है, उसे reduce करना है किसी भी way में, तो हमें cost के जो real drivers हैं उनका identify होना हमारे लिए बहुत important है. ठीक है, so in activity based costing it allocates the direct and indirect cost of the product and services based on the level of activities. Okay, like I was discussing before, level of activities kya hai, like ji kisi bhi department ke andar kitni dafa purchase requisition put ki jati hai. Theek hai ji, production kitni zyada ho rahi hai wahan par. Theek hai ji, kitni dafa wo apne machine ko set up karte hain. Theek hai, to is tarah ki multiple जो एक्टिविटीज हैं या इस तरह के जो मल्टीपल ड्राइवर्स हैं उनको बेसिस बनाया जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए. ठीक है, एंड दीज आर यूज्ड टू क्रिएट एंड डिलीवर दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. और ये जो एक्टिविटीज हैं बेसिकली ये क्यों, क्योंकि इसमें आपकी अजम्पशन क्या है कि इफ देयर आर एक्टिविटीज देन देयर विल बी कॉस्ट एंड इफ देयर आर एक्टिविटीज देन ऑफ कोर्स देयर विल बी सर्टेन आउटपुट इन द शेप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. ओके, so direct indirect cost ki baat ho rahi hai, so let's just revise this concept, but I'm sure that you people are quite familiar with this already. So direct cost hamari kaun si costs hoti hain jo ki aap easily or conveniently ya jisko hum kehte hain ji economically aap locate kar sakte hain kisi product mein. theek hai ji, jisko aapko dekh kar bhi idea ho jata hai ki jnab iske andar yakeenan ye cost incur hui hai. like agar aapke classroom mein agar ek dice hai, ek wooden dice hai, तो कोई भी उसको देखकर इजीली ये कंक्लूड कर सकता है दैट इट इज मेड ऑफ वुड. ठीक है, तो उसका जो डायरेक्ट मटेरियल है आपने उसको इजीली लोकेट कर लिया. ठीक है, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी. इसी तरीके से यू कैन इजीली गेस कि जनाब उसको बनाने वाला एक पर्सन होगा, एक कारपेंटर होगा जिसको जिसने जो ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो उसको उसकी कोई कॉस्ट पे की गई होगी. सो उसकी जो सर्विसेज हैं उसको हम डायरेक्ट लेबर कहेंगे. ठीक है जी, या जिसको हम टच लेबर कहते हैं विच इज डायरेक्टली एंड फिजिकली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. सो हमारे जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैं या जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हैं उनको हम डायरेक्ट कहते क्यों हैं, क्योंकि वो इजीली ट्रेस आउट हो सकती हैं. ठीक है, सो अ कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज नोन एज ऑफ कोर्स डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज फॉर द प्रोजेक्ट स्टाफ. तो किसी भी एक प्रोजेक्ट की अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करें तो उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो जो स्टाफ परफॉर्म कर रहा है उनकी सैलरीज को इजिली आप उनको एलोकेट कर सकते हैं टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ठीक है, एंड मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. और इसी तरीके से उस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी किस्म का जो मटीरियल रिक्वायर किया गया है विच इज स्पेसिफिक फॉर दैट प्रोजेक्ट तो वो उसका डायरेक्ट मटीरियल होगा. ठीक है जी, और उसको भी आप इजिली लोकेट कर सकते हैं. So these sort of costs are your direct costs, okay? And in contrast, which are your indirect costs? These are basically the costs that are not directly accountable to a cost object. ठीक है जी, तो of course ये उसका opposite हो गया. Like I was giving you the example of wooden dice. तो अगर जो एक rostrum है आपका wood का बना हुआ, तो मतलब आपने उसको देखकर ये अंदाजा कर लिया कि that is made of wood. बट यू कैन नॉट लोकेट इजिली कि उसको हमने किस तरीके से शेप अप किया था, उसको हमने किस तरीके से जोड़ा था, क्या आया उसमें कोई फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल जस्ट, क्या आया उसमें कोई नेल्स यूज हुए हैं या उसमें कोई गम यूज हुई है. तो इस तरह की चीजें जो कि आप इजिली लोकेट नहीं कर सकते, ट्रेस आउट नहीं कर सकते या एलोकेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट मे बी इधर फिक्स्ड और वेरिएबल, दोनों फॉर्म्स में हो सकती हैं. इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड टैक्सेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक आपका जो भी कोई पर्सोनल है, कोई सिक्योरिटी कार्ड्स आप रखे हुए हैं
ओवरऑल फैक्ट्री के लिए, तो उस फैक्ट्री में मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड दैट सिक्योरिटी गार्ड विच इज हायर्ड फॉर द सेक ऑफ होल फैक्ट्री, तो आप उसको लोकेट नहीं कर सकते कि जनाब वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जो है वो सिर्फ उन्हीं के यूनिट को सिक्योर करने के लिए हायर किया गया था. नो, दैट इज फॉर द इंटायर फैक्ट्री. तो उस इस तरह के कॉस्ट को हम फिर फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहते हैं या उर्फ आम में हम उसे जस्ट ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं. ठीक है जी. तो जो हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं इसमें वो तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली लोकेटेड और ट्रेस्ड आउट फॉर अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ओके, तो एक्टिविटीज की हम बात कर रहे थे कि एक्टिविटीज हमारी कौन सी होती हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में. Like the activity of purchasing something, the activity of designing a particular product, the activity of production itself, ya sales ki activity hai, marketing ki activity hai, ya customer services jo provide ki jati hai, after sales services hain, these are also activities. Theek hai, to is tarah ki multiple activities hain jinki wajah se cost incur hoti hai. Theek hai, and these are utilized by different products and services. So of course ye activities hoti hain तो ही ये इनपुट के तौर पर रोल प्ले करती हैं, तो ही एक आउटपुट हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विस की सूरत में आती है एंड दैट आउटपुट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो दीज एक्टिविटीज आर यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. ठीक है जी. सो दीज एक्टिविटीज वेरी from business to business and these activities also depend on the particular complexity or the environmental complexity of any business. ठीक है. So if we compare activity based costing to the traditional costing system, so as I have discussed with you earlier too कि traditional costing system में हम क्या करते हैं कि हमने just cost को देखा, जो भी आपकी overhead cost है, और हमने उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर बेस जो है वो सिलेक्ट कर ली, whether that is direct labor hours or direct labor cost or there is machine hours or something like that, और इस तरह की बेसिस के ऊपर आपने उसको एलोकेट कर लिया. एंड दीज बेसिस आर नॉट these bases do not result in appropriate costing. ठीक है जी. तो उसमें या तो उसका result over costing की सूरत में आएगा या उसका result under costing की सूरत में आएगा. ठीक है. And both of these are of course unfavorable for any company. So if activity based costing is compared to traditional accounting, then activity based costing is a decision making tool which provides more accurate cost and profit information and that allows management to understand the cost and profit drivers and improve their business. ठीक है जी. cost के drivers identify होंगे तो ही cost को cut किया जा सकते. Like you people are quite familiar कि जो हमारे आज कल businesses हैं they are very much competitive. competition is at its peak. ठीक है जी. तो prices जो हैं वो आपको competitive ही रखनी है. prices आपको अपने कंपेटिटर को जहन में रखकर ही सेट करनी है. ठीक है. सो प्राइसेस अब एक ऐसा फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रोल में नहीं रही. ठीक है जी. उन प्राइसेस को कंट्रोल करना करने वाला जो मेजर फैक्टर है दैट इज कंपटीशन. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशंस ने अगर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो उनके पास दो ही ड्राइवर्स हैं प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, कि या तो वो प्राइस को इंक्रीज कर लें या वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे. ठीक है. सो प्राइस तो अब उनके हाथ से निकल गई है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन. सो द ओनली ड्राइवर लेफ्ट इन देयर हैंड दैट इज कॉस्ट. सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ मस्ट फॉर टुडेज ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि वो अपनी कॉस्ट को प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली एलोकेट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके उन एक्टिविटीज को विच आर एक्चुअली द बेसिस ऑफ द कॉस्ट. ठीक है. और फिर उसकी बेसिस पर वो डिसीजन मेकिंग कर सके. ठीक है. सो हियर अगेन थ्रू दिस फ्लो चार्ट आपको डिफरेंशिएट करके दिखाया गया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को ट्रेडिशनल मेथड से, कि आपके जो ट्रेडिशनल मेथड उसमें क्या है, आपके सर्टेन रिसोर्सेज हैं. दीज रिसोर्सेज आर बेसिकली जो भी आपकी कॉस्ट हैं, कोई मटेरियल रिलेटेड हैं, लेबर रिलेटेड हैं, ये ओवरहेड कॉस्ट हैं. अब रिसोर्सेज को पकड़ते हैं, कोई एलोकेशन बेसिस पकड़ते हैं और उसको एलोकेट कर देते हैं टू योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड बैचेस एज आई डिस्कस्ड बिफोर. व्हाइल ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि दैट फ्लो चार्ट इज इन द रिवर्स साइड. ठीक है.
उसमें क्या है कि सबसे पहले आप देखते हैं कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, फिर आप ये ट्रेस करते हैं कि ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है ये किन एक्टिविटीज को कंज्यूम करके बना है। ठीक है जी, इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को बनने में जो कॉस्ट को डिजाइन की एक्टिविटी इन्वॉल्व थी, ठीक है जी, कोई परचेजिंग की एक्टिविटी इन्वॉल्व थी, कोई प्रोडक्शन की एक्टिविटी इन्वॉल्व थी, कोई सेल्स की एक्टिविटी, कोई मार्केटिंग की एक्टिविटी इन्वॉल्व थी। सो बेसिकली आपने क्या किया कि आपने ऑब्जेक्ट से पीछे जाके एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, ठीक है जी, उनको ट्रेस किया कि हमारे एक्टिविटी ड्राइवर्स कौन से हैं, तो कौन कौन सी वो प्रोसेसेस हैं जो एक्चुअली परफॉर्म हुए, ठीक है। फिर उसके बाद उससे पीछे जाके आप आइडेंटिफाई करते हैं कि अब इन एक्टिविटीज के परफॉर्म होने में कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज हुए, कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो कंज्यूम हुए हैं, ठीक है। तो एट द एंड आप जाकर देखते हैं कि आपके कौन से रिसोर्स ड्राइवर्स हैं, और रिसोर्सेज क्या हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, रिसोर्सेज आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। कुछ भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है दैट इज अ रिसोर्स, दैट इज एन इनपुट, ठीक है। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है उसका प्रोसेस हमारा थोड़ा सा रिवर्स नेचर का है। ओके जी, सो व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ दीज कॉस्टिंग मेथड्स। इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अकाउंटिंग, इन ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज अज्यूम्ड दैट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स कंज्यूम रिसोर्सेज, ठीक है जी। हम सिंपली कहते हैं जनाब ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं रिसोर्सेज की वजह से, ठीक है जी। सो जो रिसोर्सेज हैं हमारे, वो हमने उनके कोई भी ड्राइवर्स जो हैं वो अज्यूम कर लिए और हमने उनको एलोकेट कर दिए, ठीक है जी। वेयर एज इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इट इज अज्यूम दैट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स कंज्यूम एक्टिविटीज रादर सिंपली रिसोर्सेज, ठीक है जी। वो कहते हैं कि जनाब एक्टिविटीज होती हैं तो रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं, ठीक है जी। एंड इफ देयर आर लेसर एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट, तो उसको यकीनन कॉस्ट भी कम इनकर करनी चाहिए। एंड इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट, तो यकीनन उस प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट ज्यादा इनकर होनी चाहिए, ठीक है जी। इसी तरीके से ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि मोस्टली in this it is said that we utilize volume related allocation basis, theek hai ji, volume related like aapka labor hours kitne zyada consume hue hain, aapki labor ki cost kitni zyada lagi hai, aapke machine hours kitne zyada consume hue hain, theek hai। While activity based costing uses drivers at various level, theek hai ji, activity based costing mein aisa nahi hota, hum multiple activities dekhte hain jo involve hain और उन तमाम एक्टिविटीज के लिए हम कॉस्ट को लोकेट करते हैं और फिर उसके बाद एट द एंड हम उसको एलोकेट करते हैं, ठीक है। सो ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, ओके, while activity based costing is process oriented, ठीक है। तो उसमें activities जो हैं they are the basis। so how activity based costing works या क्या steps उसमें involved हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें, that we identify available resources, ठीक है जी, and resources consuming activities, ठीक है जी। तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग जो है आपकी, उसमें क्या होती थी कि आप जस्ट रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन अब इसमें आपने ना सिर्फ रिसोर्सेज को देखना है बल्कि उसके साथ साथ आपने देखना है कि उन रिसोर्सेज को कंज्यूम करने वाली कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट में परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। एंड देन द सेकेंड स्टेप इज असाइनिंग कॉस्ट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज टू द एक्टिविटीज, और फिर वो जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इवेल्युएट करके उनकी उस वैल्यू को असाइन कर देना है टू द एक्टिविटीज, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप उसमें क्या है, असाइनिंग कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटीज टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और फिर जिस ऑब्जेक्ट के लिए जितनी ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म हुई हैं उस हिसाब से उसका जो है वो कॉस्ट एलोकेशन हो जाएगी, ठीक है। सो ये तीन हमारे पास स्टेप्स हैं जिनको हम थोड़ी सी और डिटेल में देख लेते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है, रिसोर्सेज को जो भी कंज्यूम करने के लिए हमारे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनको अपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी, कि आपकी जो कॉस्ट हैं वो किस किस वजह से इनकर हो रही हैं,
like वो कितनी transactions हैं, जिस तरह for example मैंने आपको example दी भी थी पहले कि कितने number of purchase orders जो हैं वो किसी department ने place किए हैं, ठीक है, तो वो भी आपका एक transaction driver हो सकता है. इसी तरीके से duration drivers आपके हो सकते हैं कि जनाब कितने घंटे तक उनकी inspection होती है या कितने घंटे production में involve होते हैं, तो इस तरीके से duration drivers भी हो सकते हैं. और फिर उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है अपनी एक्टिविटीज को, ठीक है. तो एक्टिविटीज जो है वो बेसिकली चार लेवल्स की हो सकती हैं, लाइक यूनिट लेवल एक्टिविटीज हो सकती हैं कि आपने हर यूनिट के ऊपर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, लाइक किसी यूनिट को आप कैसे पैक करते हैं, ठीक है जी, तो वो यूनिट लेवल एक्टिविटी है. इसी तरीके से एक्टिविटीज जो है वो बैच लेवल भी हो सकती हैं. बैच क्या होता है, बेसिकली बैच मीन्स अ बल्क क्वांटिटी ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, ठीक है. तो ऐसी एक्टिविटीज जो कि किसी बैच के ऊपर परफॉर्म की गई हैं वो भी हो सकती हैं, लाइक आपने किसी एक बैच को शेड्यूल किया है, किसी एक बैच को सेटअप किया है, तो ये बैच लेवल एक्टिविटीज है. इसी तरीके से प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज हो सकती हैं, ठीक है जी, कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिजाइन करने की एक्टिविटी ने कितना टाइम लिया, ठीक है जी, या कितनी कॉस्ट इनकर हुई डिजाइन की एक्टिविटी पे, इंजीनियरिंग की एक्टिविटी पे कितनी कॉस्ट इनकर हुई है, मार्केटिंग की एक्टिविटी पे कितनी इनकर हुई है, एंड सो ऑन. इसी तरीके से आपकी फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज हो सकती हैं कि आपने किसी एक पर्टिकुलर फैसिलिटी के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हुई हैं, ठीक है जी, लाइक आपकी सेफ्टी की फैसिलिटी है, मेंटेनेंस की फैसिलिटी है, एंड सो ऑन, ठीक है. सो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, असाइनिंग कॉस्ट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स टू द एक्टिविटीज. तो अब आपने क्या करना है कि रिसोर्सेज की जो आपने कॉस्ट वैल्यूएट की है उसको अब आपने एक्टिविटीज को असाइन कर देना है, ठीक है. So assign the cost of resources to the activities that consume those resources. For this, company will choose resource consumption cost drivers. तो अब आप क्या करेंगे कि आप उन cost drivers को identify करेंगे जिन्होंने आपके resources को consume किया है, ठीक है. जैसे एक example यहाँ पे given है that if ये M over C करके उन्होंने machine का जो word है ये उसकी short form दी हुई है. So if a machine setups if a machine setups activity requires 0.5 machine hours, ठीक है जी, तो अगर वो कह रहे हैं कि जनाब एक जो मशीन सेटअप की एक्टिविटी है तो मशीन को जब वो सेटअप करते हैं तो उसमें आधा घंटा लगता है, 0.5 hours, ठीक है, एंड ईच मशीन आवर कॉस्ट $20, और वो कह रहे हैं जनाब अगर एक मशीन का जो सेटअप है वो 1 hour का होगा तो $20 कॉस्ट आएगी. तो अगर 1 hour का होगा सेटअप, $20 का कॉस्ट है, तो दिस मींस के हाफ आवर के लिए हमारी कॉस्ट भी इसकी हाफ होगी, ठीक है. सो इस एक्टिविटी के लिए, मशीन सेटअप की एक्टिविटी के लिए बेसिकली उनकी कॉस्ट, क्योंकि वो हाफ आवर के लिए मशीन सेटअप रिक्वायर है, तो इसलिए $10 की कॉस्ट है, ठीक है. सो दिस इज हाउ कॉस्ट इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस. एंड देन assigning cost of resources to the activities consuming those resources. तो अब देखना है कि जनाब आपके जो भी कोई resources आपके consume हुए हैं इन activities के through, अब आपने उनको assign करना है, ठीक है जी. So company can determine the cost of each activity and ultimately the cost of factory output. तो अब आपने जितने भी machine setups हुए उन तमाम की total cost calculate कर लेनी है, ठीक है. और फिर जब वो टोटल कॉस्ट आपके पास आएगी तो उसको आप नंबर ऑफ यूनिट्स पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो पर यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. सो लाइक थर्ड स्टेप है हमारा असाइनिंग कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स. इसमें हम क्या करेंगे दैट कंपनी विल असाइन कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन एक्टिविटी कंजम्पशन. तो एक्टिविटी कंजम्पशन जो है वो हमारा कॉस्ट ड्राइवर है. सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल इफ अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स 3 आपको चाहिए मशीन सेटअप्स, ठीक है. एक मशीन सेटअप हमने देखा आधे घंटे का है और उस आधे घंटे के लिए हमें $10 की कॉस्ट आएगी, ठीक है. तो अब अगर एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट को 3 मशीन सेटअप चाहिए तो इसका मतलब है कि $10 ईच सेटअप की कॉस्ट थी, और अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए 3 सेटअप्स चाहिए तो आप 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस मीन्स कि उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए $30 मशीन सेटअप की वजह से कॉस्ट इनकर हुई है, ठीक है. सो एक्टिविटी कंजम्पशन ड्राइवर्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली दे मेजर द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी कंज्यूम्ड बाय अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. तो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट ने जितनी एक्टिविटी कंज्यूम की, तो यहां पर जो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट था
say that can be a unit, that can be a batch, ठीक है जी, कोई सर्विस भी हो सकती है. तो जो भी कोई एक्स वाई जी हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट था, उसको तीन मशीन सेटअप्स रिक्वायर थे, और हर मशीन सेटअप जो है उसकी कॉस्ट $10 थी, क्योंकि हमारे उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को टोटल मशीन सेटअप की कॉस्ट कितनी इनकर हुई, $30. सो हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो किस तरीके से वर्क करती है कि आपकी डायरेक्ट कॉस्ट तो इजीली एलोकेट हो जाती है, डिफरेंस तो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट के एलोकेशन में आता है. तो इनडायरेक्ट कॉस्ट के एलोकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी इनडायरेक्ट लेबर है, मटेरियल है, आपकी अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, वो ऑफकोर्स सर्टन डिपार्टमेंट के अंदर इनकर होती हैं, ठीक है. लेकिन उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उन डिपार्टमेंट्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई. लाइक आपके सामने ये जो एक चार्ट सा शो हो रहा है, इसमें डिपार्टमेंट वन में भी तीनों एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिपार्टमेंट टू में भी तीनों एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है. तो आपने सबसे पहले उन एक्टिविटीज़ के लिए कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया, कैलकुलेट किया, और उसके बाद उसको एलोकेट कर दिया टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एंड आई होप कि उससे चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगी और क्लैरिफाई भी हो जाएंगी होपफुली. सो जी, फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ फ्रेंड्स कंपनी एंड दे आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सर्टेन वॉल्स. कोई वॉल्स बनाते हैं वो, एंड दे प्रोड्यूसेस एंड सेल्स टू टाइप्स ऑफ वॉल्स. दो तरह के वॉल्स बनाते हैं, एक है उनके पास कोई गैस सेफ्टी वॉल्स और दूसरे उनके पास कोई मिसलिनियस वॉल्स है, ठीक है जी. सो उसको गैस सेफ्टी वॉल्स को उन्होंने GSV का नाम दिया और मिसलिनियस वॉल्स को उन्होंने MSC का नाम दिया. सो दो प्रोडक्ट्स हैं इनकी, GSV एंड MSC. फ्रेंड्स कंपनी हैज़ द फॉलोइंग डाटा फॉर टू प्रोडक्ट्स. तो इन दोनों प्रोडक्ट्स का उन्होंने कुछ डाटा दिया हुआ है कि जनाब जो GSV है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसके 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और जो MSC है उसके 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है जी. जो GSV है उसकी सेलिंग जो प्राइस है दैट इज $78, एंड MSC की जो सेलिंग प्राइस है दैट इज $130, ठीक है. इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर हमें इन दोनों की प्राइम कॉस्ट दे दी हैं. प्राइम कॉस्ट आपको होपफुली पता होगा, प्राइम कॉस्ट हमारी कौन सी होती है. दीज आर द वेरी बेसिक एंड इनिशियल कॉस्ट विच आर रिक्वायर्ड एंड विच आर अ मस्ट फॉर प्रोडक्शन, ठीक है. और ये हमारी प्राइम कॉस्ट जो है दैट इज बेसिकली अ सम ऑफ योर डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है. तो उन दोनों का सम करके उन्होंने बता दिया कि जनाब GSV के ऊपर प्राइम कॉस्ट लगी है $21 की, और MSC के ऊपर हमारी प्राइम कॉस्ट लगी है $35, ठीक है. कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने. इन एडिशन फ्रेंड्स कंपनी हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉस्ट एंड एक्टिविटी कंजम्पशन कॉस्ट ड्राइवर्स. तो उन्होंने हमें एक्टिविटीज दी हैं, फिर उनके लिए जो भी कोई कॉस्ट एलोकेट की हुई थी वो बताई है, और उनकी जो है उन्होंने कॉस्ट ड्राइवर्स भी बताए, ठीक है जी. लाइक मशीन सेटअप की एक्टिविटी है, उसके लिए उनके बजट में उन्होंने ₹1,00,000 रखा हुआ था, और मशीन सेटअप्स जो है उसको वो किस तरीके से ड्राइव करते हैं उनको ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी दफ़ा सेटअप हुआ, नंबर ऑफ सेटअप्स की बेसिस पे, ठीक है. इसी तरीके से मशीन रनिंग की एक्टिविटी है उनकी, उसके लिए उन्होंने ₹4,00,000 की कॉस्ट एलोकेट की हुई है बजट में, और मशीन रनिंग को वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने घंटे मशीन जो है उसने रन किया, कितने घंटे तक उसने काम किया. इसी तरीके से थर्ड एक्टिविटी उनकी क्या है, इंस्पेक्शन की, और इंस्पेक्शन की एक्टिविटी के लिए उन्होंने 70,000 की कॉस्ट एलोकेट की हुई है टोटल, और उन्होंने कहा है कि जनाब हम इंस्पेक्शन की एक्टिविटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका ड्राइवर है इंस्पेक्शन आवर्स के कितने घंटे तक इंस्पेक्शन हुई है किसी भी प्रोडक्ट के लिए. उसके बाद लास्ट एक्टिविटी उनकी क्या है, पैकिंग की, ठीक है जी. कि जब वो प्रोडक्ट्स को पैक करते हैं तो 30,000 उसके लिए उन्होंने टोटल बजट रखा हुआ है, और उसको वो किस तरीके से ड्राइव करते हैं नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर्स की बेसिस पे, ठीक है. तो ये चार तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए टोटल 6,00,000 की जो कॉस्ट है वो बजट में उन्होंने रखी हुई है, ठीक है. और ये उनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर्स भी गिवन है. अच्छा जी, फ्रेंड्स कंपनी ऑल्सो कलेक्टेड द एक्टिविटी डाटा फॉर ईच प्रोडक्ट. तो अब उन्होंने हमें हर प्रोडक्ट के हिसाब से एक्टिविटी डाटा दे दिया है, ठीक है. कि जनाब उनके जो नंबर ऑफ सेटअप्स हैं, GSV के लिए 80 टाइम्स उनको मशीन को सेटअप करना पड़ता है, MSC के लिए 260 टाइम्स मशीन को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है जी. तो टोटल मशीन के सेटअप्स उनके कितने हैं, 340, ठीक है. तो अगर आप लास्ट पेज पे आ जाएं तो 1,00,000 उनकी टोटल सेटअप की के लिए उन्होंने कॉस्ट रखी हुई थी. तो 1,00,000 अगर टोटल सेटअप की कॉस्ट है
तो उसको अगर आप 340 पे डिवाइड कर दें, टोटल 340 सेटअप्स के ऊपर डिवाइड कर दें, तो आपके पास एक सेटअप की कॉस्ट आ जाएगी विच इज 294.12। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिविटी रेट कैलकुलेट होता है कि टोटल जो भी एलोकेटेड कॉस्ट है या बजटेड कॉस्ट है डिवाइडेड बाय देयर टोटल जो भी उनके ड्राइवर्स हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने बताया जनाब जो जीएसवी है उसके लिए 18,000 आवर्स मशीन को वर्क करना पड़ता है, जबकि एमएससी के लिए 36,000 आवर्स जो है, इतनी प्रोडक्शन जो भी इनकी हुई थी उसके लिए 36,000 आवर्स उसे वर्क करना पड़ा। सो टोटल मशीन आवर्स कितने हो गए, 54,000 आवर्स। ठीक है, तो अगर आप पीछे देखें तो मशीन रनिंग के लिए उन्होंने 400,000 की बजटेड कॉस्ट रखी थी, तो 400,000 की बजटेड कॉस्ट को जब आप 54,000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास हर एक घंटे के लिए जो कॉस्ट है वो आपके पास मशीन रनिंग की आ जाएगी, दैट इज $7.41। ठीक है, इसी तरीके से अगला उनके जो एक्टिविटी थी दैट वाज इंस्पेक्शन, और उसका कॉस्ट ड्राइवर था इंस्पेक्शन आवर्स। तो जीएसवी के लिए उन्होंने कहा जी 3,000 आवर्स रिक्वायर्ड थे और एमएससी के लिए उन्होंने कहा जी 4,000 आवर्स रिक्वायर्ड थे। सो टोटल आवर्स कितने हो गए इंस्पेक्शन के, 7,000। ठीक है जी, सो बैक टू द पेज अगर हम देखें तो इंस्पेक्शन के लिए 70,000 की कॉस्ट बजट में रखी गई है, तो 70,000 को जब आप 7,000 पे डिवाइड करेंगे सो दैट विल बी $10 पर इंस्पेक्शन आवर। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट एक्टिविटी उनकी क्या थी, नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर्स। ठीक है जी, एक्टिविटी थी उनकी पैकिंग की जिसका कॉस्ट ड्राइवर था नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर्स का। तो उन्होंने कहा कि जनाब जीएसवी के लिए 2100 ऑर्डर्स थे पैकिंग के और एमएससी के लिए 3500 पैकिंग ऑर्डर्स थे। ठीक है, सो टोटल उनके 5600 पैकिंग ऑर्डर्स थे। ठीक है, तो पैकिंग की जो कॉस्ट थी एलोकेटेड दैट वॉज 30,000 इन टोटल। सो 30,000 को जब आपने 5600 पे डिवाइड किया तो आपके पास 5.36 जो है वो पैकिंग ऑर्डर्स की कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, पर पैकिंग ऑर्डर जो है वो $5.36 जो है वो खर्च हुए। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिविटीज का रेट जो है वो आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि टोटल कॉस्ट ली किसी भी एक्टिविटी की, उसको फिर आपने एक्टिविटी के जो टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर है एक्टिविटी का उसके ऊपर आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो उससे आपके पास एक्टिविटी कॉस्ट रेट कैलकुलेट हो गया। तो अब अगर आपके पास एक्टिविटी कॉस्ट रेट आ जाता है तो आगे तो काम बड़ा सिंपल है। तो अगर $294.12 जो है हर सेटअप के ऊपर लगेंगे तो जीएसवी में 80 सेटअप्स हुए आप मल्टीप्लाई कर दें, 260 सेटअप्स एमएससी में हुए तो उसको आप पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, सो अब हमने नेक्स्ट काम यह करना है, ये जो हमने पर यूनिट कैलकुलेट की है उनको हमने हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो भी एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स की वैल्यूज हैं उनके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअली, तो आपके पास उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आती जाएगी। ठीक है, सो लेट्स डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो अब क्या है हमारे पास, ये एक्टिविटी रेट आ गया। ठीक है जी, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है अभी, तो एक्टिविटी रेट आ गया और आगे हमारे पास एक्टिविटी की अमाउंट आ गई। ठीक है, एक्टिविटी की अमाउंट हमारे पास ये गिवन है, तो जीएसवी की ये गिवन है और एमएससी की हमारे पास ये गिवन है। ठीक है जी, तो ये जीएसवी का सबसे पहले डाटा है और नीचे एमएससी के लिए कॉस्ट कैलकुलेट की है। जीएसवी के 10,000 यूनिट्स थे, कॉस्ट ड्राइवर्स एक्टिविटी के ये चार उन्होंने लिखे हुए हैं, ये एक्टिविटी रेट्स आ गए विच यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ये एक्टिविटी की अमाउंट आ गई ड्राइवर्स की जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, तो आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गई हर एक एक्टिविटी की। ठीक है जी, कि जीएसवी के जो 10,000 यूनिट्स बने हैं उन 10,000 यूनिट्स पे $23,529.6 का जो सेटअप मशीन सेटअप कॉस्ट आई है, इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर $1,33,380 की मशीन की कॉस्ट आई है, मशीन रनिंग की। ठीक है जी, इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर 30,000 की आपकी इंस्पेक्शन की कॉस्ट आई है और इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर आपकी $11,256 की पैकिंग की कॉस्ट आई है। तो ये टोटल कॉस्ट्स गिवन है टोटल यूनिट्स की। ठीक है, तो अब अगर आपने एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, दैट इज अगेन क्वाइट सिंपल कि आपने टोटल कॉस्ट पकड़नी है
और उसको नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड कर देना. तो जब आप उसको यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, सो जी टोटल मशीन सेटअप की कॉस्ट को आपने 10,000 यूनिट्स पे डिवाइड कर दिया तो 2.35 हर एक यूनिट के ऊपर मशीन सेटअप की कॉस्ट आई है. 13.34 हर एक यूनिट के ऊपर मशीन रनिंग की कॉस्ट आई है. $3 जो है वो हर एक यूनिट के ऊपर इंस्पेक्शन की कॉस्ट आई है और $1.13 जो है हर एक GSV के यूनिट के ऊपर पैकिंग की कॉस्ट आई है. ठीक है, तो इन चारों पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट को ऐड कर दिया तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट एक यूनिट पे कितनी आई है GSV के 19.82. ठीक है जी. लाइकवाइज MSC के अंदर हमारे 5,000 यूनिट MSC के प्रोड्यूस हुए थे. ठीक है जी, तो आपने सबसे पहले एक्टिविटी रेट्स जो कैलकुलेट किए हैं पिछली स्लाइड में उनको मल्टीप्लाई कर दिया आपने उनकी एक्टिविटी के अमाउंट्स के साथ, तो आपके पास टोटल ओवरहेड आता गया. फिर उस टोटल ओवरहेड को आपने नंबर ऑफ यूनिट्स पे रिस्पेक्टिवली हर किसी को अलग अलग डिवाइड किया तो आपके पास हर एक्टिविटी के हिसाब से पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट आ गई. उनको आपस में टोटल किया तो MSC का एक यूनिट जो है उस पर $80.39 की आपके पास कॉस्ट आई है ओवरहेड की. ठीक है जी, सो GSV का ओवरहेड एक यूनिट पे $19.82 का लगाए और MSC का जो ओवरहेड है वो हर एक यूनिट के ऊपर $80.39 का लगाए. ठीक है, तो हम ट्रेडिशनल के साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं और हम देखते हैं कि जनाब हम किसके अंदर कॉस्ट ड्राइवर्स को ज्यादा सही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. सो यूजिंग द ऑब्टेन्ड डाटा वी कैन परफॉर्म द प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस which is that we will determine the unit margin profit for each product. तो profitability analysis क्या है कि हम हर product का profit margin देख लेते हैं कि कितना है. ठीक है, so selling price हमें given थी दोनों की, उसमें से आपने prime cost ये भी given थी उसको भी minus कर दिया और unit overhead जो हमने अभी अभी recently कैलकुलेट किए हैं उसको भी आपने माइनस कर दिया तो रिमेनिंग जाहिर है जब आपने सारी कॉस्ट माइनस कर दी है प्राइस में से तो रिमेनिंग जो फिगर आपके पास बची दैट इज मार्जिन या दैट इज प्रॉफिट. ठीक है, तो मार्जिन या प्रॉफिट को जब आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. ठीक है, लिहाजा प्रॉफिट है आपके पास 37.18, उसको आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर डिवाइड कर दिया. प्रॉफिट भी पर यूनिट में था इसलिए आपने सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट पे ही ली, डिवाइड किया तो आपको पता चला कि जनाब GSV जो है वो आपको $47.67 का प्रॉफिट दे रही है. ठीक है, और MSC जो है वो आपको $11.24 का प्रॉफिट दे रही है. तो आपने ज्यादा एक्यूरेटली और जेन्युइनली जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करनी है. ठीक है जी, एंड नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन वी आर बेसिकली कंपेयरिंग द प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस अंडर ट्रेडिशनल एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है हमारी ये जिसको हम वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं उसमें बेसिकली क्या था, प्राइसेस ऑफ कोर्स सेम थी, प्राइम कॉस्ट भी आपकी बिल्कुल सेम गिवन थी, लेकिन उसमें जो ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड थी GSV के लिए दैट वाज $36 और MSC के लिए थी दैट वाज $48. जबकि जब हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे एलोकेट किया तो आपने देखा कि GSV की कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई, 36 की बजाय 19.82 का रिजल्ट हमारे सामने आया. और MSC जो है क्योंकि उसमें ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म हुई हैं तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बढ़ गई, 48 की बजाय $80.39 हमारे पास कॉस्ट इनकर हुई है. ठीक है, सो वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में आपने क्या देखा कि GSV जो है वो आपको 26.9% अर्न करके दे रहा है और MSC जो है ये प्रोडक्ट आपको 36.15% अर्न करके दे रही है. ठीक है, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो आपको ऑपोजिट रिजल्ट दे रही है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कह रही है कि नहीं जी GSV इज मोर प्रॉफिटेबल एंड MSC इज कंपैरेटिवली लेसर प्रॉफिटेबल. ठीक है, सो दीज रिजल्ट्स जो हैं दीज आर मोर रिलायबल. ठीक है, क्योंकि इसमें हमने जो कॉस्ट की एलोकेशन की है वो उनकी जेन्युइन बेसिस पे की है विच इज एक्टिविटी. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द थिंग्स ड्यू टू विच एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज कंसीडर्ड सुपीरियर एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम. ठीक है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है उसको अगर कंपनीज इम्प्लॉय कर लेती हैं
then their decision making will be many times more better as compared to the when they take decisions on the basis of traditional costing system. Theek hai ji, I hope things are clear to you people. And if and there is certain query, you can ask your teacher, or agar usme kisi bhi kisam ka koi masla hai, that will be addressed. Okay, thank you so much, class.